एक तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार केंद्र में लाए गए अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों का समर्थन जुटाने पर तुली है, तो वहीं इस मामले में कांग्रेस से तनाव होने के बावजूद पार्टी उससे पूरी तरह दूरी बना रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली, पंजाब समेत राजस्थान में भी एक दूसरे को घेरते नजर आते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पार्टी ने राहुल गांधी की सदस्यता मामले में केंद्र सरकार को घेरा है। बता दें कि राहुल गांधी की सदस्यता मामले को लेकर गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर आपका आधिकारिक बयान सामने आया है। पार्टी की ओर से कहा गया कि पूरे देश में दिख रहा है कि जो लोग भी विपक्ष में हैं, उन पर हर प्रकार के केस किए जा रहे हैं, उनके पीछे एजेंसियां लगाई जा रही हैं और सदस्यता भंग करने की कोशिश हो रही है। जो भी केंद्र सरकार के विरोध में है, उन पर कोई ना कोई कार्यवाही चल रही है। हालांकि यह मामला कोर्ट में है, हम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं, लेकिन जो भी न्यायालय है, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या लोअर कोर्ट हो, संविधान को बचा कर रखना कोर्ट की जिम्मेदारी है। संविधान का सम्मान और सिद्धांत बरकरार रहे, यह सबसे जरूरी है।